आज से स्टार्ट हो रहा है वेस्ट बंगाल का ट्रिप। वे ब्लॉक है। ओए ओए आराम ना। ज्यादा सरकार सरकूर किसी ने मनमर्जी नहीं बनाई। पानी कोई आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है, जो मुझे डर था उसी चीज का, मतलब कि वही चीज हो गई है। इसमें आपको दिखाऊं, ये देखो जी रिपोर्टर वगैरह भी आए हुए हैं जो मतलब वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, लोगों का रिव्यू वगैरह ले रहे हैं लोग। मैडम शहीद एक्सप्रेस का की अपडेट है? लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए पड़े हैं। आपको कहाँ जाना भाई? तो गाइज मैं आपको एक बात बताऊं यार, पूरा एकदम मतलब कि एकदम टेंशन में आ गए हैं हम लोग कि भाई इतनी रिजर्वेशन हुई, इतनी पैकिंग हो गई है, सब कुछ हो गया है और ट्रेनें कैंसिल हो रही, कैंसिल नहीं हुई है, ब्लॉक हो गई है। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो लेके। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ मैं वीडियो पे। हाँ दोस्तों काफ़ी दिनों के मतलब 3-4 दिन हो गए हैं गैप पे, पर दोस्तों अगर मैं बता दूंगा आपको कि भाई साहब अभी होने वाले कंटिन्यूस व्लॉग, आज से स्टार्ट हो रहा है वेस्ट बंगाल का ट्रिप। वेस्ट बंगाल पहले जाऊंगा, उसके बाद जाऊंगा झारखंड, झारखंड से फिर मैं जाऊंगा अपने चितरंजन, चितरंजन से फिर यहाँ पे वापस जलंधर आऊंगा। ये है कि एक से 1.5 हफ्ते का ये वाला जो ट्रिप है होने वाला है मज़ेदार। तो दोस्तों वीडियो आपको डेली बेसिस पे आने वाली है, डेली पे भी नहीं आएगी क्योंकि मैं ट्रैवल पे हूँगा, तो एक दिन छोड़ के तो जरूर आएगी। जैसे मुझे वाईफाई की फैसिलिटी मिलेगी मैं जरूर वीडियो अपलोड कर दूंगा, पर दोस्तों ये पूरा ट्रिप स्टार्ट होने वाला है। सो गाइस मैं भी आपको दिखाऊं, देखो घर का बुरा हाल हुआ पड़ा है, ये पैकिंग कर रहा हूं मैं काफी दिनों से, मतलब 4 दिन हो गए यार मेरे को पैकिंग करती है। अब भी जाके फिलहाल किसी तरह से मैंने थोड़ी बहुत चीजें एडजस्ट करी हैं, कुछ ये देखो ये पैकिंग हुई है, पर ये बुरा हाल है। ये तो मेरी पैकिंग है, और उसके बाद अगर मैं मम्मी की पैकिंग की बात करता तो उनके तो एक ही अटैच ही है, देखो इनका कुछ नहीं है, मम्मी लोग का थोड़ा बहुत ही है, बट मेरा भाई साहब बहुत ज्यादा ही है यार। मेरे को समझ नहीं आता है ना, जब मैं चीजें मतलब कि ना जब कहीं भी ट्रैवल करता हूँ तो कपड़े मेरे इतने हैं यार, मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या लेके जाऊँ और क्या छोड़ूं। तो गाइस अभी मैंने सुना है कि यार जो किसान है ना वो फाटक पे बैठ गए हैं और ट्रेनें रद्द हो रही है। एक बार चेक करने जा रहे हैं हम लोग कि सच में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी न्यूज आई है, अगर ऐसा हुआ ना रद्द हुई तो भाई कैंसिल हो जाएगी ट्रिप मेरी। तो चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं अभी आगे का क्या है, मतलब की जो भी सिचुएशन हुआ मैं आपको अभी दिखाऊंगा। वे ब्लॉक है। ओए ओए आराम ना। इस गरीब पुलिस ने यहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है पूरा हाईवे, ये तो जाने में दे रही है, हम लोग रॉन्ग साइड से जा रहे हैं और ये दुख रही हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक हुआ पड़ा है और ओवर ब्रिज से भी नहीं जाने दिया जा रहा है। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं, अगर हमें जाने का मौका मिलता है तो हम जाते हैं जरूर, अदरवाइज नहीं तो वापस होना पड़ेगा। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो जी ब्लॉक किया हुआ है रास्ता, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखो जी ब्लॉक हो गए हैं, इधर से जाने नहीं दिया जा रहा है। ये पेंट का नाम क्या है गाइस? हम देखो जी पहुंच गए हैं कि जहाँ पे धरना लगा हुआ है वो वाली लोकेशन में हम पहुंच गए। गाड़ियाँ कितनी लगी हुई हैं तो ये देख सकते हो दोस्तों, कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ लगी हुई हैं और वही वाली जगह पे हम पहुंच गए। और आपको दिखाते हैं धरना कैसे ब्लॉक हुआ पड़ा है हाईवे, और रेलवे फाटक भी सुना है कि जैसे ब्लॉक हुआ है, पर ना ही हो तो अच्छा है। तो देखो गाइज ये वाली जगह जो आप देख रहे हैं ये है नेशनल हाईवे, ये पूरी तरह से ब्लॉक हुआ पड़ा है नेशनल हाईवे। ये देखो जी यहाँ पे चारों तरफ से ब्लॉक है ना, ये यहाँ पे धरना लगा हुआ है। तो चलो चलते हैं, हम लोग चाय वगैरह भी पी के आते हैं धरने से और आपको दिखाते हैं। लगा हुआ है यहाँ पे पूरी तरह से और चाय का लंगर लगा हुआ है, आप देख सकते हो कितने लोग आए हुए हैं, हम लोग भी आए हुए हैं और चाय लेते हैं और पीते हैं, चलाए हैं तो धन्य भी क्यों ना चाय पी रहे हैं, चाय पी रहे हम लोग यहाँ पे धन्य भी आके। तो आप चलो आपको दिखाते हैं चाय पीते हैं। इसीज आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है, जो मुझे डर था उसी चीज़ का, मतलब कि वही चीज़ हो गई है। और यार भाई डर लग रहा है कि ट्रेन कहीं कैंसिल ना हो जाए। और ये देखो जो सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे किसान वगैरह, जो ट्रेन वगैरह आ रही हैं और ट्रेन रोको आंदोलन अब स्टार्ट हो गया यहाँ पे। ये देखो न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह भी आ गए यहाँ पे। ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ।
ਹੜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਜੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾ ਹੀ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਆਪਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੌਕ ਹੋਆ ਪੜਾ ਹੈ ਔਰ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ब्लॉक हो चुका है और देखो कितना ट्रैफिक आया हुआ, कितने लोग आए हुए हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, बहुत सारे रिपोर्टर वगैरह भी आए हुए हैं जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इधर से पूरा का पूरा मतलब कि पता लग रहा है कि लोग कितना ज़्यादा मुसीबत में और ट्रेनें चल नहीं रही है। देखते हैं नीचे रख के पता करते हैं कि क्या सिचुएशन है भाई। हम लोग तो पूरा एकदम रिपोर्टर की तरह घूम रहे हैं और दिखाएंगे आपको भाई। लोग देखो बहुत परेशान हो रहे हैं यहाँ पर, देखते हैं क्या होता है, खाते हैं आपको। इसमें आपको दिखाऊँ, ये देखो जी रिपोर्टर वगैरह भी आए हुए हैं जो मतलब वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, लोगों का रिव्यू वगैरह ले रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। ये देखो जी वंदे भारत से आया हुआ है बंदा, ये देखो बहुत सारे लोग हैं। मैडम शहीद एक्सप्रेस का की अपडेट है? ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए पड़े हैं। आपको कहाँ जाना भाई? अमृतसर। गड्डियाँ नहीं आ रही, कोई गड्डी नहीं आ रही। ओके भाई, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए पड़े हैं। अब देखो कि क्या हो रहा है। वो बता रहे हैं कि सिटी से ट्रेन वगैरह चल रही है, पर देखो क्या होता है, सबके मुंह देखो, सबके होश उड़े पड़े हैं। चलो लेट्स सी क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा परेशान है, समझ नहीं आ रहा लोगों को, सब पूछ रहे हैं, इंक्वायरियाँ कर रहे हैं। तो भाई पता क्या बोल रहे हैं वो लोग? वो बोल रहे हैं कि जलंधर सिटी से ट्रेन वगैरह चल रही है, बोलते कैंसिल तो नहीं होगी पर चलेगी शायद जलंधर सिटी से। तो गाइज मैं आपको एक बात बताऊँ यार, पूरा एकदम मतलब कि एकदम टेंशन में आ गए हैं हम लोग कि भाई इतनी रिजर्वेशन हुई, इतनी पैकिंग हो गई है, सब कुछ हो गया है और ट्रेनें कैंसिल हो रही, कैंसिल नहीं हुई हैं, ब्लॉक हो गई हैं। तो मुझे जो पता रेलवे की तरफ से पता लगा है उसमें वो ये कह रहे हैं कि ट्रेनों को डाइवर्ट कर रहे हैं, मतलब कि जलंधर कैंट नहीं आ रहे, जलंधर सिटी से ही डाइवर्ट हो जाएगी ट्रेन। तो देखते हैं अगर है भाई, नहीं आ रही है, सीधा सिटी जाना पड़ेगा आपको। हाँ यहाँ कोई ट्रेन नहीं है, सारी वो मतलब कि यहाँ पे ब्लॉक हो गया है। दो तीन ट्रेनें जो आ रही है मालवा वगैरह वो सिटी से अब डाइवर्ट कर दिया उनको। अच्छा, मालवा सारी ट्रेनें अभी तो यहाँ पे ब्लॉक है ना। तो भाई देखो कैसे परेशान है लोग, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि भाई लोग कितने परेशान होते हैं इस चीज़ों को लेके। तो अनाउंसमेंट भी बार बार हो रही है कि किसान आंदोलन के चलते मतलब कि ट्रेनें रोक दी गई हैं और रूट डाइवर्ट किया गया है। होप सो, क्या पता हमारा रूट डाइवर्ट हो जाए, कैंसिल ना हो। कैंसिल हो गए तो यार बहुत नुकसान होगा, प्लानिंग पूरी धड़ी की धड़ी रह जाएगी। सो गाइज अभी आ गए हैं घर पे यार सारे सैड बैठे हुए हैं कि क्या होगा। पर अभी एक अपडेट आई है कि जो ट्रेनें वगैरह हैं वो जा रही हैं जलंधर सिटी से डाइवर्ट हो रही हैं ट्रेनें। सो गाइज आगे देखने के लिए नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखना कि आगे क्या हुआ, क्या हम ट्रेन पे चढ़ पाए, क्या हमने ट्रेन कहाँ से पकड़ी, ट्रेन लेट हो गई या ट्रेन कैंसिल हो गई, ये आपको अब नेक्स्ट व्लॉग में पता लगेगा। पर अभी तो फिलहाल ये पता है कि ट्रेनें अभी ब्लॉक हुई पड़ी हैं, रास्ता ब्लॉक हुआ पड़ा है। अभी हम बहुत टेंशन में, अभी क्या होगा, कहाँ जाएंगे, किस रूट से जाना है। तो लेट्स सी कि ट्रेन कितनी बजे आती है, किस रूट से आती है, जलंधर सिटी जाना पड़ रहा है, अमृतसर जाना पड़ रहा है कि कैंसिल ही हो जा रही है, कि ट्रिप कैंसिल हो जा रही है। इतना कुछ प्लान किया हुआ है यार, कैंसिल हो गया ना, बैंड बन जाएगी। चलो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आपका भाई आपके लिए नेक्स्ट व्लॉग भी लाएगा और देखते हैं, अगर मैं कोलकाता पहुंच गया, वेस्ट बंगाल पहुंच गया, तो वहां का पूरा रूट का आपका ब्लॉग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बैठ के सब।